वेलकम बैक टू एग्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं हेजॉक्स, और माविया ने हेजॉक्स भी फाइनली रखा। इसके पास जो चार हेजॉक्स है उसमें से एक पीस जो है वो मेरा है, तो सोचा आप लोगों को हेजॉक्स के बारे में बताए और सब चीज़ें बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल मामिया, आप ये बताइए कि हेजॉक्स जो है वो एग्जॉटिक एनिमल्स में आते हैं, चलो ये बात तो ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कोई सा भी जानवर आप लोग उसको रखने का तरीका। पहली बात तो ये हेजॉक्स है और ये फुली टेम है, ये वाला ये आप देख सकते हैं, ये टेम है, सारे के सारे टेम है। और इनको रखा कैसे जा सकता है माविया, पहले ये थोड़ा लोगों को बताइए। फिलहाल भाई हेजहॉग्स के लिए जो रखने का तरीका है, हाँ, तो वो हमको एक्वेरियम यूज करना पड़ेगा। एक्वेरियम, और एक्वेरियम किस टाइप का एक्वेरियम? एक्वेरियम यूज करना पड़ेगा, हाँ, और इस वजह से क्योंकि आप कभी केज में रखते हैं हेजहॉग्स को, हाँ, तो उनका जो पैर रहता है फिलहाल भाई, हाँ, वो केज में से बाहर निकालने के उसमें उनको जख्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस टाइप के केज में दोस्तों आप नहीं रख सकते, आपको रखना है एक्वेरियम में। और यहाँ बिछाना उनके लिए, हाँ, ये चीज क्या है? चिप्सी, चिप्सी बोलते हैं इसका एक पैकेट जो है अपने पास, लोगों को ये बता सकते हैं। दोस्तों इस टाइप का ये चिप्सी का पैकेट आता है, आप ये देख सकते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं और बाकी शॉप वगैरह पे ही मिल जाता है, हार्डवेयर के अंदर, हार्डवेयर की शॉप पे दोस्तों ये आपको मिल सकता है। तो ये रखना जरूरी है, अगर ये चिप्सी नहीं रखे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? चिप्सी नहीं रखे तो एक तो हेजहॉग जो है अपना बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, ठीक है फैजान भाई, ओके, जो वो पॉटी वगैरह करता है तो उसके ऊपर पूरी लग जाती है, तो चिप्सी से अपने को फायदा है, इसमें पूरा जज्ब हो जाती है, ड्राई रहता तो बहुत अच्छा फायदा है इससे अपना, अपना पूरा फ्रेश रहता है, क्लीन रहता है, ओके, तो उसको बीमारी का खतरा रहता है, ओके, ये कितना टाइम हुआ है? मेरे ख्याल से एक आध महीना हो गया है इसको, हाँ, एक आध महीना आपके पास हो चुका है, क्योंकि मेरे पास भी था, मेरे पास मेरा वाला इसमें से कौन सा है बता सकते हैं मुझे? तो ये वाला मेरा यही वाला है जो हाथ में है, ओके, ये वाला, ये तो ये है दोस्तों हेजॉक्स। और इनको ठीक है रखने का तरीका है, तो इनको जैसे कि कोई से भी जो अपन बर्ड्स आते हैं उनको खेलने के लिए कुछ भी देते हैं, स्टिक लगाते हैं अलग अलग तरीके से, तो इनके लिए क्या क्या करना पड़ता है? जैसे एक हेमस्टर है, हेमस्टर को सर्कल आता है जो उसको खेलने के लिए, सर्कल गोल जो है वो हेजहॉग्स को देना पड़ता है, हेजहॉग्स को देना पड़ता है। इस वजह से फैजान भाई की हेजहॉग्स जो है वो जब अपनी डाइट लेता है, जब वो खाता है अपना फूड वगैरह फीड वगैरह, ओके, तो उसके बाद उसको आप खेलने के लिए सर्कल नहीं दोगे गोल, एक्सरसाइज करने के लिए, तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, ओके, बहुत ज्यादा उसकी फैट बढ़ जाता है उसके अंदर, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके, ठीक है, आपको गोल सर्कल देना है और उसके एक्सरसाइज के, और वो सर्कल के अलावा और क्या क्या चीज दे सकते हैं? सर्कल के अलावा एक तो हमको हेजहॉग जो है वो छुपके रहना पसंद करते हैं, हाँ, हाइट, उसको हाइट पे, जैसे फिश में चिकलेट है उसको, हाँ, अगर चिकलेट बहुत सारी आप एक टैंक में रख रहे हो 10 से 12, तो उनको हाइट प्लेस देना जरूरी है, 10 चिकलेट है तो 10 हाइट प्लेस आपको बनानी है, 10 से 12 बनानी है, मतलब जैसे 10 फिश है तो 12 आपको दो एक्स्ट्रा बनानी है हाइट प्लेस, तो इनके लिए भी हाइट जरूरी है, हाँ, इनके लिए भी एक घर टाइप में आप बना सकते हैं बॉक्स, और बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके हिसाब से, ओके, तो उसमें है ना इनको बहुत ज्यादा पसंद है, ओके, हेजहॉग्स, ओके, बढ़िया। और एक चीज यहाँ पर है, ये एक शौक के तौर पे अगर कोई लेता है तो सिंगल ही लेगा, हाँ, ठीक है, मगर अगर एग्जांपल के तौर पे शौक के तौर पे ले रहा है तो एक सिंगल रह जाएगा? हाँ, एक सिंगल आराम से, कभी हम उसको टाइम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से रह सकता है, हाँ, टाइम टेम कोई सी तो टेम चीज है फैजान भाई, हाँ हाँ, तो आराम से रह लेंगे सिंगल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल भी ये दोस्तों रह सकता है। अगर कोई ब्रीडिंग पर्पज से लेता है तो फिर कैसा? ब्रीडिंग पर्पज के लिए तकरीबन 3 या 4 फीमेल रखना है, ऐसी छोटा सा ग्रुप जो बनाना चाहता है ब्रीडिंग के हिसाब से, हाँ हाँ, ब्रीडिंग सेटअप जो लगाना चाहता है, तो 3 या 4 फीमेल ले और उसके ऊपर एक ही मेल ले, 3 या 4 फीमेल या उसके ऊपर एक ही मेल, अगर मेल दो ले और दो फीमेल ले तो नहीं, ऐसा नहीं, असल में मेल लड़ाई करते हैं, छोटे हाँ। से आप ग्रुप में कभी रखना चाहते हैं, हाँ हाँ, तो हाँ। मेल आपको एक ही रखना पड़ेगा, मेल आप एक ही रखना है, ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है। और जैसे कि मुझे भी थोड़ा बहुत है, ये जानवर जो है ये नाइट का है,
दिन में जो है ये पूरा सुस्त रहता है, सोने का काम ज़्यादा करता है, रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है ये, है कि नहीं? हाँ। ना तो रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है। और इनकी डाइट क्या है, आप क्या खिला रहे हैं इनको, लोगों को बताइए। डाइट में तो फैजान भाई मैं इनको अभी कैट फूड दे रहा हूँ। कौन सा वाला कैट फूड? मियाऊ का एडल्ट का। मियाऊ का एडल्ट का कैट फूड दे रहे हैं। हाँ, आप मैकरल फ्लेवर या टूना फ्लेवर कोई सा भी यूज कर, मैकरल या टूना फ्लेवर आप यूज कर सकते हैं। मियाऊ के अलावा विस्कस का भी, बस कैट का एडल्ट फूड देना इनको। ओके, एडल्ट है और सिर्फ एडल्ट ही देना है। हाँ, आप इनको वेजिटेरियन भी दीजिए। वेजिटेरियन में क्या क्या? ज्यादातर चीजें दे सकते हैं आप, गाजर दे सकते हैं, इनको खीरा दे सकते हैं आप, और इनको आप चकंदर दे सकते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग चीज बॉईल करके, ठीक है सर, बॉईल करके अंडा। हाँ, बॉईल अंडा भी दे सकते हैं आप। अंडा चिकन मटन? नहीं, चिकन नहीं, बॉईल अंडा दे सकते हैं आप। और हाँ, इसको आप फ्रूट दे सकते हैं। फ्रूट और ये कीड़े मकोड़े भी तो खाते हैं ज़्यादा। और हाँ, और कभी कभार इनको कीड़े मकोड़े ये सब देना जरूरी। ब्लड वॉर्म हुआ, मील्स वॉर्म हुआ, ये सब। हाँ, तो ये इनको देना कभी कभार जरूरी है। ओके जी, ये बहुत शौक से खाते हैं उसको, मील वॉर्म ये सब वो अच्छे से खाते हैं। तो वो ऑनलाइन मिल जाते हैं वो पैकेट उनका। हाँ, हाँ। वो बुलाते हैं उनको, इजीली खिला सकते हैं कभी कभार। या घर में आपको कॉकरोच हो तो कॉकरोच भी खिला सकते हैं। कॉकरोच वगैरह भी बहुत अच्छे से शौक से खा लेते हैं। ओके, ऐसा है जी। और इनके इसमें क्या स्पेशलिटी है, को बहुत ज़्यादा जो हटके रहते हैं, सबसे अच्छा चीज़ आपको, इतना टाइम से आप रख रहे हैं तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगी इनकी? हेजहॉग की बोला जाए तो यानी एक तो दिखने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ही है। okay, और एक ऐसा है कि देखिए इसके ऊपर जैसा काटे हैं, ठीक है, एक रेयर चीज़ है, यानी बोलना चाहिए फैजान भाई ये जैसा अच्छी चीज़, एक शौक रहता है ना कोई नई चीज़ पालने का। हाँ, 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 जो थोड़ी खतरनाक भी है और अच्छी भी है। खतरनाक किस लेवल पे? तो यानी ऐसा नहीं है जैसा ज़्यादातर यानी बच्चे देखते थोड़े बहुत, यानी बच्चे डरते हो। हाँ, क्योंकि इस पे बॉडी पे, ये बॉडी पे जो काटे हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। खतरनाक यानी वैसी नहीं है कि ये काटेगा अपने को, ये काटे तो मारेगा, ठीक है। हाँ, हाँ। ये मैं बता दूं आपको, सोते वक्त आप डिस्टर्ब करते हो, सोते वक्त डिस्टर्ब करते हो आप इसको, एक इसकी पहचान के लिए अपन जो भी आवाज बनाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कोई इसको किसी चीज से जैसे अपन ने कुछ और आवाज निकाले, इसको डर लगा, तो इनके कांटे पूरे खड़े कर लेते हैं, ठीक है, जो अपने को छुपते हैं। हाँ, नॉर्मली जो आवाज से अपन ने इसको टेम करे है वो आवाज आप देते हो तो ये पूरा नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए ये पूरा नॉर्मल है अभी, आप इसको कैसे भी पकड़ सकते हैं, कैसा भी हाथ लगा सकते हैं, पूरा बॉल बन जाता है ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जब ये डरता है हेजहॉग, डरता है तो इसको एक अपने आप में खतरा महसूस होता है। ओके, तो इस वजह से वो पूरा कांटे खड़े कर लेता है उसके, कांटे खड़े कर लेता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऐसा है फैजान भाई की जो हेजहॉग वाइल्ड में पाए जाते हैं, इनके अंदर एक वो चीज रहती है कि इनके ऊपर कोई शिकार नहीं कर सकता परिंदा, इनको खतरा महसूस होता है तो बॉल बन जाते हैं। ओके, तो परिंदा इनको एकदम अचानक हमला भी करेगा तो उसको कांटे लग जाते हैं, जिस वजह से वो अटैक नहीं कर पाता उनको। ओके, तो ऐसी उनके अंदर फितरत है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ आपने लोगों को यहाँ पर बताई है, और इसका एक एडवांटेज ब्रीडिंग पर्पस पे कैसा है? एक ब्रीडिंग के लिए फैजान भाई की कभी आप अच्छे से डाइट वगैरह देते हो तो 3 से 5 तक फीमेल बच्चे दे सकती है। इनकी एडल्ट होने की एज 8 से 9 महीने में एडल्ट हो जाते हैं। ओके, अभी ये कितने महीने के? तकरीबन ये 5-6 महीने के हो चुके हैं। ओके, 6 महीने के। और फैजान भाई दूसरी बात की, कभी आप इनको बहुत अच्छे से रखते हो, केयर के साथ रखते हो आप, तो तकरीबन ये 3 से 5 साल तक आपके पास रह लेगा। 3 से 5 साल तक अच्छे से। कुछ हेजहॉग तो ऐसी जगह पाए गए हैं जो तकरीबन लोगों के पास 10 से 11 साल तक भी रहे हैं। okay. लेकिन नॉर्मली 3 से 5 साल तक हेजहॉग रह लेगा, केयर के साथ रखते हो तो। केयर के साथ कर सकते हो तो। ये एक बड़ी बहुत ही अच्छी चीज बताई लोगों ने। और भाई शौक एक बड़ी चीज है, हमारा तो शौक आपको सबको पता ही है कि डिफरेंट्स है, कई सारे बर्ड्स है, कैट्स है, पिजन्स है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, फिश है, तो ये सब है। आज फाइनली हेजॉग्स भी आ गया। सो आप सब, एक्चुअली आया था ये 1 महीने पहले, मगर अब वीडियो बनाने का थोड़ा सा मसला हो गया था, वीडियो उस टाइम हम नहीं बना पाए, तो अभी फाइनली आप सबको बता दिया कि एग्जॉटिक बर्ड्स के पास हेजॉग्स भी है। ये मेरा है, बाकी सार जो है अपना माविया के हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और माविया एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हो सकता है किसी के पास हेजॉग्स हो तो इनको कोई बीमारी आती है क्या? बीमारी का तो इतना खास नहीं फैजान भाई, असल में इनको टेम्परेचर मेंटेन करना, गर्म होना चाहिए। हाँ, इनका आप 24 डिग्री से
29 डिग्री तक आप इनको रखना है टेम्परेचर, और कभी 24 डिग्री से नीचे होता है फैजान भाई तो हेजहॉग्स आपका बीमार हो जाता है, मरने के भी चांस रहते हैं। तो बस असल में इनको नहला सकते हैं, हाँ नहला सकते हैं गर्मियों में, गर्मियों में ठीक है, गर्मियों क्योंकि एक जो है ये गर्म जगह का ही हेजहॉग जो जानवर एनिमल पेट्स है वो गर्म जगह का अफ्रीका का है, ये जो ब्रीड है ये अफ्रीका की ब्रीड है ठीक है, ये वाली जो है तो इस वजह से गर्म जगह का है ये, तो इसलिए गर्मी में इसको नहलाना है आपको। टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, तो टेम्परेचर सबसे अच्छा मेंटेन एक्वेरियम में होता है ठीक है, क्योंकि एक्वेरियम चारों तरफ से कांच रहता है, ऊपर से आप छत लगा दो इसकी, टेम्परेचर लगा दो आप उसके अंदर ठीक है, तो टेम्परेचर मीटर लगा दो सबसे अच्छा मेंटेन होता है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो ये हो गया, और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर किसी को भी कुछ इसके बारे और भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई दिक्कत आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ उनको गाइड करिएगा है ना। बिल्कुल एंड दोस्तों वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अभी के लिए थैंक यू सो मच।